बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। इसे धोकर अच्छे से कपड़े में लपेट कर हम संजो कर रखेंगे और रोज़ भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। जो पौधा आपके सिर से ऊपर हो गया हो और उसमें फल भी नहीं लग रहे हों तो हम भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा शिव पुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। जिसकी हवा आपके माथे में लग रही हो वैसे पौधे उसका बेलपत्र हम तोड़कर अर्पण कर सकते हैं। ये कितने बड़े बड़े बेलपत्र हैं देख सकते हैं आप। भोलेनाथ एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है और भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है तो उसे उतार कर उसे अच्छी तरह से धोकर आप अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र का तो इतना गुण है कि निर्माल्य बेलपत्र को भी हम धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है।